हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर हाउ इट्स वर्क्स चैप्टर 4 CBSE कंप्यूटर क्लासेस। तो चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। अ कंप्यूटर आल्सो वर्क्स ऑन इंस्ट्रक्शन। इन ऑर्डर टू मेक इट वर्क वी हैव टू ऑपरेट इट। इट इज़ टू बी इंस्ट्रक्टेड बाई द यूज़र। कंप्यूटर जो है एक इंस्ट्रक्शन के द्वारा काम करता है। इन ऑर्डर टू मेक अ, जैसा हम ऑर्डर देते हैं उसी के अनुसार ये ऑपरेट इसको करता है। और इट इज़ टू बी इंस्ट्रक्टेड बाई द यूज़र, और यूज़र के द्वारा इसको इंस्ट्रक्ट या आदेश दिया जाता है। वी हैव लर्न डैट ए कंप्यूटर हैज़ सम इम्पॉर्टेंट पार्ट विच आर यूज फॉर डिफरेंट वर्क्स। हम जानते हैं कि कंप्यूटर्स के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर्स में डिफरेंट वर्क्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। देयर आर थ्री बेसिक स्टेप विच अ कंप्यूटर वर्क्स। कंप्यूटर थ्री बेसिक स्टेप्स में कंप्यूटर वर्क करता है। दीज आर इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ये थ्री स्टेप होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। This is somewhat similar to what you experience in your daily life. इसी के समान आप डेली लाइफ में भी कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इसी प्रकार डेली लाइफ में आप देखिए फ्रूट्स, पुटिंग इन जूसर एंड जूस। लेट अस अंडरस्टैंड इट इन दिस वे। फ्रूट इज अ इनपुट, बी पुट इन द मिक्सर जूसर। It start getting crushed. This is process. And B, collect juice in a glass. This is output. इसी प्रकार कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट के आधार पर काम करता है। नेक्स्ट हम जानेंगे इनपुट। इनपुट में हमारा आ जाता है कीबोर्ड एंड माउस। एनी इंस्ट्रक्शंस और डाटा डैट वी इंटर इनटू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। कोई भी इंस्ट्रक्शन या डाटा जब हम कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं तो उसको हम इनपुट कहते हैं। वी इनपुट डाटा यूजिंग अ कीबोर्ड एंड अ माउस। हम कंप्यूटर में इनपुट डाटा यूज़ करते हैं या डालते हैं कीबोर्ड और माउस के द्वारा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है प्रोसेसिंग। वर्किंग ऑन एनी इंस्ट्रक्शन और डाटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। कोई भी काम, इंस्ट्रक्शन जो हमें काम करने के लिए दिया जाता है, वर्किंग ऑन एनी इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन जो काम के लिए, और डाटा, जो भी डाटा इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर्स को देते हैं उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। CPU प्रोसेस देम एंड गिव्स रिजल्ट। CPU में प्रोसेस होता है और उसके बाद हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। द CPU वर्क्स ऑन द इंस्ट्रक्शन एंड गिव द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। CPU इसमें वर्क करता है इंस्ट्रक्शन द्वारा दिए गए कामों को, और फिर वो सॉल्यूशन देता है। जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होती है उसके सॉल्यूशन CPU में निकाला जाता है। नंबर 3, आउटपुट। आफ्टर CPU हैज़ फिनिश प्रोसेसिंग वर्क। जब CPU में प्रोसेसिंग फिनिश हो जाती है, इट डिस्प्ले द फाइनल रिजल्ट ऑन द मॉनिटर। उसके बाद वो फाइनल रिजल्ट मॉनिटर पर देता है। कॉमन आउटपुट डिवाइस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। कॉमन आउटपुट डिवाइस जो है प्रिंटर और मॉनिटर होता है। आउटपुट इज़ द फाइनल रिजल्ट। जो हमें प्राप्त होता है फाइनल रिजल्ट, उसको हम आउटपुट कहते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। इसको हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं कि कंप्यूटर्स में वर्क कैसे होता है। अब हम देखेंगे C7 एंड 5, दीज आर डाटा। Multiply is the instruction, so our input is 7, 5, and multiplication sign. So यहाँ हम देखते हैं input, data and instruction दिया जा रहा है। data and instruction को हम input बोलते हैं, जो भी हमने पहले पढ़ा। ये हमारा 7, 5 and multiply sign input हो गया। Then CPU works on data as per the instruction given. CPU में work किया जाता है जो डाटा के द्वारा से इंस्ट्रक्शन दिया गया है।
इट विल मल्टीप्लाई 7 and 5, 7 and 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो प्रोसेस इज 7 मल्टीप्लाई 7, सो 7 मल्टीप्लाई 5, सो प्रोसेस जो हमारा सीपीयू में होता है, एंड देन फाइनल रिजल्ट इज 35 और इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर आउटपुट इज 35. फाइनल रिजल्ट हमें 35 प्राप्त हुआ है, जिसे कि कंप्यूटर टर्म्स में हम आउटपुट 35 कहते हैं. दिस विल बी डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर, जो हमें मॉनिटर पर प्राप्त होता है. दिस इज 35 आउटपुट. तो इस प्रकार हमारा कंप्यूटर में प्रोसेस होता है, इनपुट, फिर हमारा प्रोसेस हुआ सीपीयू में, एंड देन मॉनिटर पे हमें आउटपुट दिखता है. तो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. थ्रू प्रिंटर बी मे टेक अ प्रिंट आउट, और प्रिंटर के द्वारा हम इसके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं. तो हमारा क्या हो गया, इनपुट 7 5 एंड एस्ट्रिक साइन या मल्टीप्लाई साइन, प्रोसेस 7 मल्टीप्लाई 5 एंड आउटपुट 35. अब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. अब इसके मेन पॉइंट्स हम एक बार की नोट्स वापस से पढ़ेंगे. देयर आर 3 बेसिक स्टेप ऑन विच कंप्यूटर वर्क्स. कंप्यूटर अपने 3 बेसिक स्टेप्स के आधार पर काम करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. ये 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं कंप्यूटर्स के. कौन कौन? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, 3 बेसिक स्टेप्स ऑन कंप्यूटर. इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन अ कंप्यूटर इन प्रॉपर ऑर्डर. इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में प्रॉपर ऑर्डर दिया जाता है इंस्ट्रक्शन के द्वारा. इंस्ट्रक्शन बीच बी पुट इन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. जो भी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको हम इनपुट कहते हैं. कीबोर्ड एंड माउस आर मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड और माउस के द्वारा हम कंप्यूटर में कोई भी इनपुट, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसको हम इनपुट डिवाइस कहा जाता है. कीबोर्ड एंड माउस मेन कॉमन इनपुट डिवाइस होता है. वर्किंग ऑन एनी इंस्ट्रक्शन और डाटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. कोई भी काम या इंस्ट्रक्शन या डाटा जो कंप्यूटर्स में होता है उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं. रिजल्ट रिसीव आफ्टर प्रोसेसिंग बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट. जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर के द्वारा उसको हम आउटपुट कहते हैं. एंड लास्ट, मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस. मॉनिटर एंड प्रिंटर मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस होता है. अब हम बुक के एक्सरसाइज देखेंगे, इंटेलिजेंस डेवलपर. अगर बच्चों आपने इस एक्सरसाइज को ध्यान से सुना होगा तो आप इसके आंसर अवश्य दे पाएंगे. ये हमारे ऑप्शंस हैं, ब्रेन, प्रिंटर, जूसर, मॉनिटर, ऑरेंज, आउटपुट, इनपुट. इसी ऑप्शन से हमें इसके फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना है. पहला है, फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड आउटपुट. अभी हमने पढ़ा था फाइनल जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है उसको हम आउटपुट कहते हैं. दिस इज आउटपुट. नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन विच वी पुट इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. इंस्ट्रक्शन जो भी हमें कंप्यूटर में पुट करते हैं, इंस्ट्रक्शन या डाटा देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट. दिस इज इनपुट. नेक्स्ट, नंबर 3, मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस अभी हमने पढ़ा था, मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? प्रिंटर एंड मॉनिटर. नेक्स्ट, नंबर 4, फॉर एन ऑरेंज जूस इनपुट इज एंड आउटपुट. तो ऑरेंज एंड जूस इनमें कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है? तो हमारा अभी हमने पीछे पढ़ा था, कोई भी चीज़ को हम डालते हैं तो हमारा इनपुट होता है. तो हम क्या ले रहे हैं? ऑरेंज. एंड आउटपुट, ऑरेंज से जब हम जूस प्राप्त होता है तो वो हो जाता है हमारा आउटपुट. तो ये आंसर हो गया आपका ऑरेंज एंड जूस. एंड नेक्स्ट, 5, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. जो पहले भी क्लास में हम पढ़ चुके हैं, सीपीयू को कंप्यूटर्स का ब्रेन कहा जाता है. दिस इज ये क्वेश्चन कंप्लीट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राइट ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन नंबर बी अगेंस्ट इच स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट के आधार पर हम ट्रू और फॉल्स देखेंगे. इंस्ट्रक्शन गिवन टू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. ट्रू, हमने पीछे पढ़ा था कि इंस्ट्रक्शन, जो भी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो हमारा इनपुट कहलाता है. दिस इज ट्रू. नंबर 2, कंप्यूटर इज नॉट अ मशीन. फॉल्स, कंप्यूटर इज अ मशीन. नंबर 3, देयर आर 4 बेसिक स्टेप ऑन विच अ कंप्यूटर वर्क्स. फॉल्स,
पीछे अभी हमने पढ़ा था कंप्यूटर के तीन बेसिक स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये थ्री बेसिक स्टेप्स होते हैं जिस आधार पर कंप्यूटर वर्क्स करता है। तो दिस इज फॉल्स, इनपुट इज अ फाइनल रिजल्ट, फॉल्स, फाइनल रिजल्ट क्या होता है, आउटपुट इज द फाइनल रिजल्ट। नंबर फाइव, कॉमन आउटपुट डिवाइस आर प्रिंटर एंड मॉनिटर, ट्रू, यस, अभी हमने पढ़ा था कॉमन आउटपुट डिवाइस प्रिंटर एंड मॉनिटर होता है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी हम देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा, कंप्यूटर की प्रोसेस, डाटा की जो प्रोसेस होती है कंप्यूटर के कौन से पार्ट में होती है, तो सीपीयू में होती है। टू, फाइनल रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट, फाइनल रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर्स की भाषा में, आउटपुट। व्हाट आर द थ्री स्टेप विच अ कंप्यूटर वर्क्स, अभी हमने पढ़ा था कंप्यूटर्स के थ्री स्टेप्स होते हैं जिस आधार पर कंप्यूटर वर्क्स करता है, कौन कौन सा, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। नेक्स्ट नंबर फोर, टू इंटर डाटा विच पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज यूज, कंप्यूटर में डाटा इंटर करने के लिए हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं, कीबोर्ड एंड माउस। देन नंबर फाइव, ऑन विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वी गेट आउटपुट, आउटपुट कंप्यूटर के कौन से पार्ट से हमें आउटपुट प्राप्त होता है, तो मॉनिटर एंड प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर डी, करेक्ट दिस जंबल वर्ड, ये वर्ड दिए गए हैं इसके आधार पे हमको देखना है कि कौन सा करेक्ट वर्ड बन रहा है। तो वाई ई बी के ओ आर ए डी, दिस इज जंबल वर्ड, बनकर हमारा तैयार होता है की बोर्ड। नेक्स्ट नंबर टू, टी ओ आई आर ओ एम एन, कौन सा जंबल वर्ड से बनता है, ये आपका बन जाता है दिस इज मॉनिटर। एंड नेक्स्ट नंबर थ्री, ये जंबल वर्ड है एम एच सी आई ए एन ई, इसका कंप्लीट हो जाता है एम ए सी एच आई एन ए, दिस इज मशीन। हम एक्टिविटी देखेंगे, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर्स एंड राइट इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट वाट एवर इज अप्लीकेबल, इसके आधार पर हमें ये बताना है कौन सा इनपुट हो रहा है, कौन प्रोसेस एंड आउटपुट। तो सुगर कैन क्या हो गया हमारा, इनपुट, एंड सुगर क्रश क्या हो जाता है, प्रोसेस, जो हमारा प्रोसेस हो रहा है, एंड सुगर कैन जूस हमें प्राप्त हुआ तो क्या हो गया ये, आउटपुट, रिजल्ट के रूप में हमारा क्या प्राप्त हुआ, जूस, तो ये हमारा आउटपुट हो गया। नेक्स्ट इसी प्रकार हम देखेंगे लेदर स्टिचिंग, लेदर रोल थ्रेड एंड जैकेट, तो हमारा इनपुट क्या हो रहा है, सबसे पहले इनपुट हो रहा है लेदर रोल थ्रेड, जो हम कच्चा माल लेते हैं, जो चीज़ हम बनाने के लिए लेते हैं इनपुट, एंड लेदर स्टिचिंग, लेदर से इसको सिला जा रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रोसेस, एंड प्राप्त हमें क्या हुआ, जैकेट, तो हमारा ये हो गया आउटपुट। नेक्स्ट नंबर थ्री, वॉशिंग मशीन, वॉश क्लॉथ एंड डर्टी क्लॉथ, तो इनपुट हमारा हो गया सबसे पहले डर्टी क्लॉथ, फिर प्रोसेस क्या हो रहा है, वॉशिंग मशीन में धुल रहा है कपड़ा, तो ये हो गया प्रोसेस, एंड आउटपुट हमारा प्राप्त हुआ कपड़े धुलकर साफ हो गए, वॉश क्लॉथ, तो दिस इज आउट।